उसी ऐसे फील्ड में घुसना पड़ता है कि जिसमें पीआर की अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकें, एक्सपीरियंस उसमें लेना पड़ता है। तो देखो इस फील्ड में अगर कोई बंदा काम करता है तो वो इस फील्ड के थ्रू पीआर में आसानी होती है या मुश्किल होती है कुछ? क्या पीआर का प्रोसीजर क्या होता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलमान शोकन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। सो गाइस, आज हमारे साथ एक मेरे पुराने दोस्त जो कि ऑलमोस्ट मेरे साथ 8 साल से मेरे साथ कनेक्शन में हैं और मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, और ये काफ़ी टाइम पहले मुझसे कनाडा में आ गए हैं, तो इनके काफ़ी एक्सपीरियंस हैं जो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर हैं। तो सबसे पहले तो हम अकील का थैंक यू करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने टाइम निकाला अपने स्केड्यूल में से, और अब इनसे इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। ये एक्चुअली मेन मेरी वीडियो का जो टाइटल है वो यही है कि ये ट्रकिंग फील्ड में हैं ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर से, और उसके बारे में मेरा था कि मैं स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे क्या है, ये पीआर के लिए उसका प्रोसीजर या अपॉर्चुनिटीज हैं कनाडा के अंदर के नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम आज इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अकील एंड वेलकम टू माई वीडियो माई चैनल। सो हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर वेरी वेलकम सलमान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। और सबसे पहले कि आप अपना एक्सपीरियंस और अपने बारे में बता दें कि आप कनाडा में कब आए हैं और आप जॉब क्या करते हैं, और कोई भी अपना जो स्ट्रगल्स आपने फेस की यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। स्ट्रगल्स मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं, और जब मैं आया था तो आई वॉज प्रीटी यंग, काफी छोटा था। और स्ट्रगल्स तो बस, जब आपको पता है कि आप किसी भी नई जगह पर जाते हैं तो आपको बहुत सी चीजें, क्योंकि आप उनको पता नहीं होता वहाँ का माहौल कैसा है, और आप दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपको बहुत सी चीजों को फेस करना पड़ता है। जिस तरह सबसे बड़ा बैरियर हमारा होता है लैंग्वेज बैरियर, उसके बाद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, एंड देन उसकी वजह से हमें पता नहीं होता, और उसके आसपास का हमारे का माहौल कैसा है, ये चीजें नहीं पता होती हैं, ऐसे और इन चीजों को फेस करना पड़ा। और जब मैं आया था तो बिल्कुल भी यंग था, और अपने काम पर ये था कि हमें करना क्या यहाँ पे आके, ना कि किस तरह अपने खुद को गाइड करना है। किसी ने पूछा, करते रहे, कोई इतने दोस्त नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बनते चले गए, और इसी तरह से स्टार्ट लिया और अपना काम शुरू किया। काम शुरू क्या किया, जो मिल जाता था वो कर लेते थे। रातों में भी रेस्टोरेंट्स पे भी काम किया, और उसके बाद ऊबर, टैक्सी, डिलीवरीज, कंस्ट्रक्शन, ये सारी काम किया। और साथ साथ मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे अपना कुछ परमानेंट रेजिडेंस, जो आपको बहुत जरूरी, यहाँ पे जिस चीज के लिए ज्यादातर लोग हमारे आते हैं ऐसे ही उसके लिए कोशिश करते रहे। और अब मैं ट्रकिंग फील्ड में हूँ। ठीक हो गया। तो लाइक ट्रकिंग फील्ड में आप कब से हैं और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसे? आपने जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सारी रेस्टोरेंट्स में भी किया, जो कि ऑलमोस्ट आई मस्ट से कि हर स्टूडेंट करता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट बिल्कुल। में और ग्रोसरी स्टोर्स में और हर जगह इस तरह, उबर भी। तो अगर आप उस चीज़ों से कंपेयर करें तो अब आप क्या लगता है कि उन सारी जॉब से ये ट्रकिंग फील्ड कैसी है, अगर आप कंपेयर करके थोड़ा बताएं? ट्रकिंग बहुत बेहतर है अगर देखा जाए। अब तो स्टूडेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सी आसानियां कर दी हैं कि अगर आपके पास वर्क परमिट पे हैं आप, और आप ट्रकिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप इजीली अपने परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई करते हैं। उसके लिए भी आसानी करता है और आपको। और कनाडा में ट्रकिंग का बिजनेस जो है वो काफी देर से एक अच्छे लेवल पर चल रहा है ना। आपको मुश्किल आती हैं लाइसेंस वगैरह लेने के लिए, अच्छी खासी मनी चाहिए आपको, और जब आप ले लेते हैं तो ये उसके बाद इसकी फील्ड में काफी रुझान है। आप ये, क्योंकि हम यहाँ अमेरिका वाइड, यहाँ से कनाडा टू अमेरिका जाते हैं लोग, लोकल बहुत से काम है। अब मुझे इस फील्ड में तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, सही। और मैं बहुत खुश हूँ इससे। बाकी बहुत सी जॉब से ये बहुत बेहतर है। जिस सही। तरह मैंने आपको बताया कि मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है, मैंने ऊबर चलाई, टैक्सी पे काम किया है, और लेस देन हाफ उस ठीक वक्त, हो। लेकिन वक्त पे भी है, मुझे इतने साल लगे यहाँ पहुंचते पहुंचते। और अब तो देखूं तो ट्रकिंग इज बेटर देन जो दूसरी जॉब्स हैं ना, उनसे बहुत बेहतर है।
ठीक हो गया। तो लाइक अगर अगर मैं अपनी सपोज बात करूं कि कोई भी स्टूडेंट जो इधर आता है उसके पास स्टडी परमिट होता है और जी उसको जी सिर्फ 20 आवर्स अलाउ होते हैं, राइट, कि वो काम सिर्फ 20 आवर्स ही कर सकता है, तो जी उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जॉब के लिए, या जरूरी है कि आप सिर्फ फुल टाइम ही कर सकते हो ये जॉब? ट्रकिंग एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें आप जितना कर लेना उतना कम है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम और आवर्स आपको चाहिए होते हैं करने के लिए, आप जितना कर सकें। और स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल में जब तक आप अपनी स्टडीज में हैं ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 20 आवर्स जो है आपको मिलते हैं काम करने के लिए। और ट्रकिंग में 20 आवर्स में भी हम जो है ना, एक दिन में कई दफा ऐसा होता है कि 12 से 13 घंटे भी काम कर लेते हैं, और इसमें हमें 5 to 6 days चाहिए होता है। हाँ, अगर कुछ ऐसी ऑप्शन मिल जाए कि आपके साथ 20 आवर्स आप कर रहे हैं, कुछ बाकी आवर्स और कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपको 20 आवर्स के साथ साथ ऐसी ऑप्शन बहुत कम मिलती हैं। अगर वर्क परमिट पर मिल जाती हैं, स्टूडेंट्स का ये है कि आप अपनी जैसे स्टडी कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी जॉब जिस फील्ड में आप चाह रहे हैं आपकी, आपको मर्जी से नहीं मिल रही है, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ से भी काउंट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। सो लाइक अगर सपोज कोई बंदा कहता है कि मैंने करनी है, लाइक आफ्टर स्टडी, स्टडी परमिट के बाद जब वर्क परमिट पे आ जाता है, या जब हमें समर ब्रेक्स आती हैं 3-4 मंथ्स की, तो उसमें अगर कोई करना चाहता है तो इसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है, या अपनी कंट्री से, लाइक जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे वहाँ से कोई ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस का थोड़ा सा मैं प्रोसीजर पूछना चाह रहा हूँ। लाइसेंस जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले आते ही आपको पता है कि आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस, जिसे हम नॉर्मल गाड़ी चलाने के लिए रिटर्न चाहिए होता है, उसके बाद आपको जी लाइसेंस तक जाना पड़ता है, और आगे किसी भी कमर्शियल लाइसेंस के लिए आपके पास फुली जी लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक हो गया। आपके पास जी लाइसेंस है, उसके बाद आप अपना लाइसेंस आके ट्रकिंग में लेकर जाना चाहते हैं, बसिंग के लिए करना चाहते हैं, या किसी भी चीज के लिए करना चाहते हैं, फर्स्ट बेस आपको वो चाहिए। और आपको यू हैव टू बी 21 ईयर ओल्ड एटलीस्ट, अगर आपकी एज 21 साल है तो आप उसके बाद ही, क्योंकि आपको ट्रकिंग में काफी और भी चीजें होती हैं जो आपको देखना पड़ती हैं, ताकि आप जो है ना इस मेच्योर हैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। और 21 साल से पहले अगर आप, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट आपको पता नहीं अलाउ करती है यानी लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि आपको 21 साल का होना जरूरी है। और ट्रकिंग जो है ना, लाइसेंस बहुत अच्छी चीज है समर्स ब्रेक के लिए, मैं ये कहूंगा एक अच्छी मनी आपको इनकम मिल जाती है कि आप 2-3 महीने आपके पास फ्री हैं, जो आपके पास अगर लाइसेंस है आप काम करते हैं, आप अपने फीस के लिए, अपनी दूसरी चीजों के लिए एक अच्छी हेल्प ले सकते हैं इस काम से। सही हो गया। और अगर कोई कंटिन्यू करता है, लाइक स्टूडेंट को अगर हम एक साइड पे करते हैं कि आफ्टर यू नो कंप्लीटिंग स्टडी, तो कोई बंदा अगर करना चाहता है, मिल जाती है तो सैलरी, लाइक अगर जो बंदा बिगिनर है, अभी फर्स्ट टाइम ही वो इस फील्ड में आ रहा है, तो उसकी सैलरी लाइक जो मिनिमम वेज रेट चलता है, लाइक $15 सपोज चलता है, किसी जगह पे कम चलता है, तो वो मिनिमम वेज रेट के हिसाब से यहाँ पे उसकी सैलरी मिलती है, या आपको मंथली डिसाइड होती है सैलरी का, मतलब के क्या सीन है? एक्चुअली मिनिमम वेज नहीं मिलती, लेकिन मंथली भी नहीं होता, होती हम आवर्ली बेस पर ही हैं, कि आप ठीक जिस है। तरह, हम कनाडा में आपको पता है कि वीकली बेस पर आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस गिव यू मनी वीकली और बाय वीकली, और हम आवर्ली काम करते हैं, कि आपको पता है जिस तरह आप बता रहे हैं 15 आवर्स, ये एक 1 आवर का काम है ना, कि आप 1 घंटे में इतने पैसे लेंगे। इसी तरह ट्रकिंग का जो मिनिमम आप कह सकते हैं इतना नहीं है, उसकी एक फील लाइक 22-24, आजकल ठीक। तो एक मेरे ख्याल में 24-25 डॉलर एन आवर स्टार्टिंग बेस पे आपको मिल जाता है। लेकिन ट्रकिंग में जो एक प्रॉब्लम ज्यादातर जो मुझे देखने के लिए मिली थी, स्टार्टिंग पे आपको जॉब नहीं मिलती आपको कोई भी, क्योंकि आपका लाइसेंस बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इतनी आसानी से कोई आपको हायर नहीं करता है, कि क्योंकि आपको पता है कि ट्रक भी एक रिस्की जॉब है, यू हैव टू बी ऑन रोड एंड लोड भी काफी ज्यादा होता है, आपके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसको देखने के लिए। और लेकिन जिस तरह मैं अपना बताऊं तो मुझे अपनी सिटी चेंज करना पड़ रही थी, मैं 200 किलोमीटर यहाँ से दूर गया था, मैंने अपना घर चेंज किया क्योंकि मुझे यहाँ पे आसपास कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। मैं वहां पर जाके फिर मैं 1.5 साल के लिए वहां शिफ्ट हुआ, फिर मुझे सिर्फ अपनी जॉब के लिए कि मुझे जॉब मिल जाए। जब मुझे 1.5 साल का एक्सपीरियंस मिल गया, मैंने अपना एक्सपीरियंस बिल्ड किया, अब मैं अपनी मर्जी की जॉब, अपनी मर्जी की जगह पर काम कर रहा हूँ विद द बेनिफिट्स। ओके सो इसकी तरह लाइक स्टार्टिंग पे प्रॉब्लम होती है थोड़ी। जी ठीक। सो लाइक अगर
कोई बंदा वर्क परमिट पे आया कि आप वो फुल टाइम अलाउ है कुछ, क्योंकि कुछ फील्ड इधर स्टडीज की भी ऐसी हैं आई मस्ट से कि उनको आफ्टर स्टडीज डिग्रीज आ जाने के बाद भी कि जॉब्स नहीं मिलती, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जी मुझे बिल्कुल इनिशियली जॉब नहीं मिल रही थी, तो बिल्कुल अगर नहीं मिलती और वो बंदा कुछ सोच रहा है कि यार मैं भी इस तरह की क्या जॉब करूं, काफी फील्ड्स हैं, सिक्योरिटी की आ जाती हैं, ट्रकिंग की आ जाती है, उबर भी कर सकता है इंसान फुल टाइम, तो अगर इन चीजों से मैं देखूं तो आपके लिए ये फुल टाइम के लिए अगर इस जॉब को बंदा कंसीडर करता है, और जिस तरह आपने ट्रेवल किया 200 किलोमीटर, अपनी अकोमोडेशन चेंज करना, लाइफस्टाइल ही मैं तो कहूंगा कि कंप्लीटली चेंज हो जाता है, तो ये वर्थ इट है कि इतना टाइम स्पेंड करना इतना? और आप कह रहे हैं कि लाइसेंस पे थोड़े पैसे भी लगते हैं इनिशियली आपके, वो थोड़ा टाइम लगना, दूसरी जगह पे मूव करना, तो ये वर्थ इट है कि इंसान ये सारी चीजें करने के बाद अगर उसको मिलती है जॉब फाइनली, तो ये वर्थ इट है आपके ख्याल में कि नहीं? जी सलमान, मेरे ख्याल में तो जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो मैं पहले काम कर रहा था, अगर तो आपके पास कुछ ऐसा कोई आपका आइडिया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है आपका माइंड, आप क्या करना चाहते हो। अगर तो आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है कि हाँ मैं अपनी एफर्ट यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मैं ये गेन करना चाहता हूँ या ये बनाना चाहता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर जिस तरह मेरे लिए था, मैं पहले भी ड्राइविंग फील्ड में था, मैंने आपको जैसे कि बताया मैं टैक्सी चला रहा था, ऊबर चला रहा था, लेकिन मेरे लिए सारी जॉब से बहुत ज्यादा बेहतर है ये जॉब। इसमें ये इस तरह बेहतर है कि आप एक अपने बिजनेस ओनर हो, ज्यादातर ट्रकिंग जो है कंपनीज में आपको अपनी कॉरपोरेशन बनाना पड़ती है, आप एम्प्लॉय में नहीं आते हो, एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं आप, और एज सब कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं आप एक बिजनेस में आ जाते हैं, आपका बिजनेस एक रजिस्टर्ड हो जाता है, और दूसरी चीज आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी मिल जाती है, क्योंकि ट्रकिंग में बाकी स्मॉल जॉब्स जो हैं, जो हमारी बेसिक नए स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं आके, और उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी जॉब है और ये वाकई वर्क करता है। और मैं अपना बताऊंगा कि मैं आई एम हैप्पी, मैं आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैंने हाँ अच्छा डिसीजन लिया, मैं मूव किया और मैं आज एक अच्छी जगह पर हूँ। सही हो गया, सही। और अगर मैं एक और चीज के पीआर के लिए इस चीज का क्या है कि इस जॉब, क्योंकि वर्क परमिट के बाद हम लोगों को कुछ ही ऐसे फील्ड में घुसना पड़ता है कि जिसमें पीआर की अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकें, एक्सपीरियंस उसमें लेना पड़ता है, तो जी जी इसके इस फील्ड में अगर कोई बंदा काम करता है तो वो इस फील्ड के थ्रू पीआर में आसानी होती है या मुश्किल होती है कुछ? क्या पीआर का प्रोसीजर क्या होता है? सलमान, पहले तो ऐसा था, आज से कुछ देर पहले देखें आप तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में नहीं होता था, कुछ हेल्प नहीं करते थे ना ट्रकिंग जो है, सिर्फ मनी वाइज हेल्प करते थे, अच्छी मनी मिल जाती थी, आप अच्छी इनकम ले लेते थे तो अपना बाकी काम आसानी से कर सकते थे। लेकिन अभी कुछ देर हुआ है, तकरीबन 1-1.5 साल से, ये आप अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट पे अगर आप चाहें देख सकते हैं तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अब ऐसा है कि ट्रकिंग जो है ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी आसानियां करती हैं, इतनी आसानियां करती हैं कि आप एक या मेरे ख्याल में 1.5 या 2 साल का टाइम है, आई थिंक 1 ईयर और 2 ईयर, मैं श्योर नहीं हूँ, आपके पास ट्रकिंग का वो एक्सपीरियंस है और आप डायरेक्ट जो है अपना परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई, पीआर अप्लाई कर सकते हैं, ये सही। एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडी कंप्लीट होते ही इस तरफ ट्रकिंग की तरफ आने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरे मेरी अपनी ही यूनिवर्सिटी में ऑल दो काफी वो लोग मास्टर्स इवन के कर रहे हैं, मास्टर्स कोई छोटी डिग्री नहीं होती, जी जी मैं तो समझ, वो मास्टर्स की डिग्री करने के बाद भी इनका इंटरेस्ट इस तरह का है कि दे आर फाइंडिंग दी वेज के वो किस तरीके से जॉब ले सकें, और अभी से मे बी के उनका इंटरेस्ट इस तरफ है, और हाँ उन लोगों को भी ड्राइविंग के एक्सपीरियंसेस काफी हैं, और दे आर लाइक के हम लोग फील्ड रिलेटेड जॉब छोड़ के हम लोग ट्रकिंग की तरफ जाना पसंद करेंगे, सो इसी एक दो चीजों की वजह से मुझे लगा था कि ये मुझे जरूर वीडियो कंडक्ट करनी चाहिए इस टॉपिक पे, तो मैंने इस वजह से आया था कि अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलेगा। तो लाइक वन लास्ट क्वेश्चन, के आपने 3 साल गुजारे, कोई ऐसी लाइक शिफ्टिंग की आपने एक डिफिकल्टी बताई कि आपको जगह लाइक टोरंटो वगैरह वाले एरिया में फिर रहना थोड़ा टफ हो जाता है बिकॉज उस आपको मूव करना पड़ता है जॉब के लिए? मैं पहले टोरंटो में रहता था और जब मुझे कहीं जॉब नहीं मिली तो मुझे कैम्ब्रिज की तरफ मूव होना पड़ा, जो कि यहाँ से तकरीबन 150 समवेयर
माइल्स दूर है, किलोमीटर सॉरी नॉट माइल्स, और वहां पे मूव हुआ क्योंकि मुझे जॉब वहां पर मिली ना, और मैंने बहुत सी जगह पर ट्राई किया और मैं डाउन था कि अगर मुझे यहाँ पर भी नहीं मिली, मुझे इससे भी आगे 1 घंटा सफर करना पड़ा, तो मैं रेडी हूँ। और मुझे उस शख्स जिससे मुझे जॉब दी थी, और उसने कहा था मैं ट्रेनिंग के पैसे नहीं दूंगा ना, तो मैं तकरीबन 1 महीना एवरी डे टोरंटो टू कैम्ब्रिज अपनी गाड़ी पर आता जाता था, और जाके मैंने सारा दिन काम करना होता था फ्री में, और शाम को घर आता था विदाउट एनी तो सैलरी. विदाउट एनी सैलरी। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पता है इतना लंबा सफर करना, यहाँ पर गैस के एक्सपेंसेस हैं और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको करना, आपके रेंट्स, कनाडा में रहना आसान नहीं है आपको काम करना, आप यहाँ पे रहते हैं आपको अंदाजा होगा, लेकिन वर्थ करता है। आज अगर मैं कहूँ तो आई एम हैप्पी कि मैंने वो ऐसा किया, कि ट्रकिंग इज द बेस्ट फ्यूल फॉर मी एंड आई होप फॉर अदर्स एज वेल, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं मास्टर्स में किए हैं, मेरे एक तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले स्टडी कंप्लीट की, अपना किसी जिस फील्ड में उन्होंने स्टडी कंप्लीट की थी उन्होंने वो जॉब्स भी की, लेकिन फॉर द बिजनेस उनको ट्रकिंग फील्ड पसंद आई और आज वो ट्रकिंग में काम कर रहे हैं, आज अपने ट्रक के हैं। एक तो मेरा दोस्त है वो जानने वाला, उसके आज 20 ट्रक हैं, और वो कहता है कि यार आई एम सो लकी। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि स्टडी का फायदा क्या है, कि हम ये क्यों कर रहे हैं। स्टडी जो है ना आपको आपको बिजनेस रन करने में भी हेल्प करती है, आप अगर किसी भी चीज में मास्टर करते हैं, वो चाहे MBA मास्टर बिजनेस में कर रहे हैं, तो ये भी एक बिजनेस है, आपको बिजनेस की टेक्निक्स बताता है, इन फ्यूचर आपको बहुत सी हेल्प देता है। एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी एंड इट वाज, आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ एंड आई होप ट्रकिंग जो है आज जब से मैं आया हूँ सबको मदद कर रही है, और ये सही एक हो अच्छी सर. बात। ठीक हो गया. और थैंक यू सो मच अकील फॉर आंसरिंग नो ऑल द प्रॉब्लम। क्वेश्चंस. एंड मैं आपका भी और अपना भी इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा. अगर कोई बंदा आपसे या मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में मजीद चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सके. और दूसरा के जाते जाते एक कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज, जो जॉब्स के लिए या फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और स्टूडेंट लाइफ के अंदर थोड़ा परेशान रहते बिल्कुल हैं, परेशानियां होती हैं, तो उनके लिए मैं यही भी कहूंगा कि गो विद द फ्लो, डोंट रश, मैसेज. सिर्फ आप अपना स्टडी पर अपनी मेहनत करें, अपनी स्टडीज को कंप्लीट करें, उन पर जो है अपनी तवज्जो दें, और उसके बाद आपको अपने बिजनेस में जाएं, क्योंकि जो आजकल मैंने देखा है हमारे पाकिस्तान, इंडिया और कहीं से भी ज्यादातर हम कंट्री से आते हैं, वो बस कोशिश होती है कि जल्दी से हम सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, हम बस पहुंचे हैं, हमारी कल से डिग्री कंप्लीट है, आज परमानेंट रेजिडेंस हो जाए और हम अपना फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, और इससे हम जो है ना अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल बना लेते हैं। ऐसे ही हर एक चीज को समझने की, उसको वक्त देने की जरूरत है, बस यही कहूंगा। ठीक हो गया. बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और अगेन सेइंग आई गेस काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो, स्पेशली फॉर दोज जो के ट्रकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं. थैंक यू सो मच अकील फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका, बहुत थैंक यू, थैंक यू और सो मेरे मच. लाइक कभी भी हो इन्फॉर्मेशन के लिए अगर किसी को कुछ नॉलेज मिलता है मैं काम आ सकता हूँ तो क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया जरूर आपका, जरूर. थैंक थैंक यू सो यू, मच. थैंक यू. अल्लाह। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी मत भूलें. आई होप स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ट्रकिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी. सो विद अ लॉट ऑफ दुआस आप लोगों का अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. बाय.